बहुत स्वागत है जी सारे का। मैं हाँ सुरेंद्र डल्ला। एक बार फिर बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम करांगे। तीरथ सिंह पिनैकल जी साढ़े नाल मौजूद ने पिनैकल इमीग्रेशन तो। विषय रहेगा क्यूबिक। जदों उम्मीद बनी सी कि क्यूबिक के स्टूडेंट्स के रिजल्ट आने, टावे टावे रिजल्ट आ रहे हैं, खुल के रिजल्ट नहीं आ रहे। वो 10 कॉलेजेस के रिजल्ट लैके स्टूडेंट बहुत ज़्यादा चिंतित ने। और हुण स्थितियां वो ने एक बार फिर विद्यार्थी विड्रॉल बारे सोचने लग गए। इस तो पहला कभी तीरथ जी ने विद्यार्थियों को कहा नहीं कि तुम विड्रॉ करो। तीरथ जी DLI चेंज जरूर सुजैसट करते हैं, पर हुण बहुत सारे स्टूडेंट फोन करके पूछते हैं भी कि सानू विड्रॉ कर लेना चाहिए। पर उस तो पहला मैं तुम्हें जरूरी जानकारी दे दाँ, हमेशा चंगे कंसल्टेंट को सलाह मशवरा करना जिहड़ा पंजाब सरकार तो लाइसेंस है या कनेडा की सरकार तो मंजूर है। सो बिना लाइसेंस कंसल्टेंट तो सलाह ना लो, तुहाडा नुकसान हो सकता, तुहानू बैन लग सकता है, तुहानू किसी भी तरह का वित्तीय नुकसान भी हो सकता है। सो हुण गल करदे आं तीरथ जी दी। पिनैकल इमीग्रेशन नाल जुड़े ने, मंजूर शुदा सरकार तो लाइसेंसड शुदा कंपनी। तीरथ जी हुण विड्रॉल की गल फिर होने लग गई क्यूबिक वाले खास तौर पर स्टूडेंट्स की। हुण तुहाडा इत्थे सलाह की है, विड्रॉल स्टूडेंट नूं फाइल विड्रॉ करनी चाहिए है या हजे भी DLI चेंज की सुजैशन दोगे? पूरी स्थिति मैं चाहूँगा समझा दिओ। बिल्कुल, मुद्दा बहुत ज़्यादा सीरीयस है सर। एक बार दोबारा तो स्टूडेंट्स विड्रॉल है, हम दोबारा फोन आने शुरू हो गए हैं, तो मैं कहूँगा एक दो विजिट्स भी आनी ऑफिस शुरू हो गई हैं कि जो बच्चे अपनी प्रोफाइल्स डिस्कस करते हैं कि वो हर हालत विड्रॉल पाने चाहते हैं, क्योंकि कहना बहुत सौखा वा लगभग साल साल सवा साल तो प्रोफाइल्स दी डिसीजन नहीं आए, तो बच्चे हुण डर भी रहे हैं कि हुण जिहड़े अगले आने वाले इनटेक जनवरी भी लगभग खत्म ही है सर। जिहड़े सीट्स की मैं अवेलेबिलिटी की गल करा तो सीट्स हुण बहुत बहुत लिमिटेड है। सो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान आ हुण करन की। सो अज मैं मुद्दे ते आऊँगा कि हुण क्यूबिक वाले बच्चों को ऑप्शनस की बचदी हैं। तो पहले मैं दस भी देव, कदे भी किसी की गल्ला मगर नहीं आना, तो आप अपनी फाइल नूं एनालिसिस करना। तो बाकी जी अज्ज दी विच मैं ट्रेंड की भी गल करदा, बच्चे बहुत ट्रेंड की गल करते हैं। सो क्यूबिक तो रिजल्ट सर जरूर आ रहे हैं, तो पॉजिटिव भी आ रहे, नैगेटिव भी आ रहे हैं। ज़्यादातर रिजल्ट स्टूडेंट के फेवर के देखने नहीं मिल रहे, बट उ गल आ गई ना, मुद्दा की है कि तुहाडी फाइल से रिजल्ट कदों आता, दैट्स द थिंग मोस्ट मैटर। अज मैं भावें दिखाता कि मेरे इन्ने क्यूबिक के PPRs आ गए ज हो गया, तुहाडा आया ज नहीं आया वो चीज़ मैटर करती है। सो हर बच्चे थोड़ा जहा स्मार्टली एक बार फिर डिसीजन लैन की लोड़ आ। तो पिछली बारी भी जो सारे मुद्दा उठाया सीगा DLI चेंज का विड्रॉल, तो असी भी उदो कहा सीगा कि हाँ विड्रॉयल नूं अपनी ऑप्शन ना मनो, तो DLI चेंज डेफिनेटली स्टूडेंट लिए बैटर ऑप्शन सी, क्योंकि DLI एक लीगल ऑप्शन आ। जे तुसीं CIC की साइट पर भी जाते हो तो लीगली ऑप्शन है कि जेकर तुहाडी फाइल अंडर प्रोसैस आ तो तुसीं अपना इंस्टीट्यूट चेंज कर सकते हैं, DLI चेंज कर सकते हैं डिसीजन आने तो पहलों। एक बार डिसीजन आ जाता दैन तुसीं अपना इंस्टीट्यूट नहीं चेंज कर सकते। तो यह भी गल हैगी, काफ़ी बच्चे ने DLI भी जिन्होंने चेंज किए से वो भी हजे रिजल्ट पेंडिंग जरूर आ। तो मोर ओवर जिदा कि साढ़े काम करने का तरीका यह है कि रिजल्ट चाहे थोड़ा जहा डिले आ जाए बट स्टूडेंट के फेवर के आ जाए, क्योंकि टाइम विल कंपनसेट। क्योंकि जे रिजल्ट थोड़ा फेवर के भी नहीं आया तो टाइम भी ना गया दैन हाँ फिर स्टूडेंट का बहुत नुकसान हो जाता। बट हूँ स्टूडेंट को की करना चाहिए, हूँ स्टूडेंट एक बार दोबारा फिर विड्रॉल वाले पास आ रहे हैं। तो असी एक बार दस भी, तो मैं इसे मंच से असी विड्रॉल से डिस्कशन भी की थी कि विड्रॉल क्यों नहीं करना चाहिए, कि वो कॉन्सिक्वेंस है कि विड्रॉल वाले पास, क्योंकि वीडियोज़ भी इदा बन गई से विड्रॉल करो, क्योंकि बच्चों कई लग भी रहा होना कि विड्रॉल बहुत सौखा कि अज जे मैं विड्रॉल पाँगा मैं नाल दी नाल मैं अगले दिन ही फाइल ला दूंगा, बट इदा नहीं होना। क्योंकि विड्रॉल की तुहाडी रिक्वेस्ट जानी है पहलों वीज़ा ऑफिसर को, जे उन्होंने डिसीजन नहीं लिया हुआ दैन वो डिसाइड करेंगे कि तुहाडी फाइल में विड्रॉल करते या नहीं करते। से टाइम कंज्यूमिंग होंगे सर, जो पिछे दे कई स्टूडेंट ने करवाया भी है विड्रॉल, साढ़े को भी जो बच्चे है कि बच्चे ने अपने कंसेंट ना कराया, हाँ डेढ़ महीना तो मैक्सीमम उन्होंने लग ही जाता, मिनीम की गल करूँगा सॉरी नॉट मैक्सीमम, डेढ़ महीना तो उन्होंने जरूर लगा कि उन्होंने जो फाइल का कंप्लीट विड्रॉल प्रोसेस। तो एक बार बच्चे मैं दोबारा कह रहा, कोई भी बच्चा जो तक फाइल विड्रॉल नहीं हो जाती दोबारा फाइल अपनी लॉन्च ना करके बैठे हो, क्योंकि वो जो कॉन्सिक काफ़ी औखे भी हो सकते, अगे बच्चे काफ़ी देर में फसे हुए आ, वो GC की कलैश हो सकती हैं। तो दस भी देव एक जे बच्चों जिन्ना सा तजर्बा है, क्योंकि बच्चे कई बार कहें कि अज मैं फाइल विड्रॉ करा लेना मैं दोबारा फाइल लॉन्च कर दूंगा, क्योंकि जरा IRCC को सारा तुहाडा प्रीवियस रिकॉर्ड भी है वा, वो कितने ना कि इंटेंशनस भी तुहाडियां, क्योंकि कालीपन भी कर सकता, तो टाइम जरूर लग चुका वा, बट सानू लीगल तरीके ने चलना चाहिए। बट हूँ मैं तो कहूँगा कि स्टूडेंट औखा टाइम कढ चुके आ, रिजल्ट डेली आ रहे हैं, बट उही गल ना तुहाडी फाइल ते रिजल्ट कदों आया नहीं आया वो चीज़ मैटर करती है। तो बहुत सारे बच्चे सर जो 2 नवंबर तक जिन दी फाइल्स लॉन्च हुई सी क्यूबिक वाले बच्चे अपने रिजल्ट अपने लै चुके आ। सो जिहड़े बच्चे अज भी जिहड़े मैं मीट किया बच्चे सानू मिलन आए थे वो दिसंबर के बच्चे आ, कि जो जनवरी या नवंबर के बच्चे के पेंडिंग आ, तो कई कई बच्चे होर भी पिछले महीनों भी कई फाइल्स पेंडिंग आ। सो सर
पॉजिटिव गल यह क्यूबिक तो पॉजिटिव रिजल्ट भी आ रहे थे, मैं दसवीं तो मैं साढ़े भी आए। सो ये चीज़ जिहड़ा कि असी आप हंडाई है कि पॉजिटिव रिजल्ट की डेफिनेटली असी क्यूबिक की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि पिछले जी अफवाह चली सी क्यूबिक वाले बच्चे की सारे ही रिफ्यूज़ होने, बट इदा नहीं हो रहा। मेरा जिहड़ा क्यूबिक वाला बच्चा अगे भी असी शेयर किया 2018 पास आउट सेगा सर, आ 3 साल का वह गैप भी सगा, आज के भी नॉन एस डी एस वो फाइल सी, उस स्टूडेंट में भी PPR रिसीव हुई है। सो मीनस वो पासपोर्ट भी स्टैंप हो गया हूँ, तो सो मीनस पॉजिटिव ट्रेंड भी है। सो जस्टिफिकेशन मैटर करती है। सो जिहड़े बच्चों रिक्वेस्ट लैटर तो सारे आए थे, तो जिहड़े बच्चों ने रिक्वेस्ट लैटर के सही डॉक्यूमेंट लाए हो, सही तरह जस्टिफिकेशन दिती होगी, वो बच्चे पॉजिटिव रिजल्ट की क्यूबिक के कोई भी कॉलेज हो, चाहे कैनेडा CDI मैट्रिक्स CGIP कोई भी कॉलेज हो, डेफिनेटली हजे भी पॉजिटिव रिजल्ट उम्मीद कर सकते हैं। तो कल ही अगे टोए वाला काम ना हो जाए, क्योंकि ताड़ा विड्रॉल नू भी टाइम लगेगा। सो मौका लंघ चुका वा, रिजल्ट डेली बेसिस से आ रहे, उम्मीद तो सर यही की जा रही कि 15 सितंबर तक, उम्मीद है कि 15 सितंबर तो आइडिया ला रहे हैं असं अप्रोक्सीमेट, लगभग बैकलॉग क्लीयर होने की पूरी उम्मीद सर असं कर रहे हैं, क्योंकि जिदा बच्चों के डेली बेसिस से रिजल्ट आ रहे, साढ़े भी आ रहे हैं, होर कंसल्टेंट के भी आ रहे हैं, तुम फेसबुक पेजेस से भी देख रहे होने कि लोग क्यूबिक के रिजल्ट या वक्री प्रोविंस के रिजल्ट सांझे कर रहे हैं। सो रिजल्ट आ रहे, सो विड्रॉल की ऑप्शन से मैंने भी लगता हजे भी स्टूडेंट साइड पर रख देनी चाहिए, हूँ तो यो हिसाब है सर, सब कुछ हो चुका, आप रिजल्ट की वेट करिए, पॉजिटिव आए तो बहुत वधिया, तो साड़ी परमात्मा तो उम्मीद है तुहाडा रिजल्ट वध तो वध पॉजिटिव आए, जे नहीं भी आता दैन आप ही नाल दी नाल फिर आप ट्राई करिए, कोई नहीं इनटेक लंघ गया आप अगला इनटेक लै सकते हैं, बट इनटेक के लालच के हूँ भी सर कोर्स बहुत लिमिटेड रह गए, अज भी जो बच्चे आ कई बार हूँ कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले पास नू आ चुके हैं। सो मैं कहूँगा हूँ नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना जी, हूँ कोर्स बहुत लिमिटेड है, तो कोर्स में इंपोर्टेंस देनी है जी, आप वीज़ा लेना अज भी सर, अज के दिन भी साढ़े PPR सवेरे आई हैं, बहुत पॉजिटिव ट्रेंड रहा बच्चों दिन रिफ्यूजल्स, बाद अच्छ करी फिर परमात्मा ने साड़ी इज्जत रखी आ, सो रिफ्यूजल्स बच्चों दिन लगिया सगिया तो उन्होंने PPR आई हैं। तो मैं एक बार दस भी दवा, कई बार बच्चे ना सू कह लग पेंदे कि ओवर ट्रस्ट कर लग पेंदे कि तुहाडी कितें रिफ्यूजल नहीं आती, मैं दस दवा 100% सक्सैस रेट मेरा भी नहीं है, साढ़े भी आ जाए, बट अकैडमिक्स जेकर वधिया है, बाकी जेकर जी साड़ी जिम्मेवारी बनती है कोर्स सिलेक्शन के रैप्रजेंट उस असी हिम्मत पूरी देंगे, पूरा 100% देंगे, बट ओवर कॉन्फिडेंस मैं अच्छे करी फिर कह देव, कई बार बच्चे सर सूँ कहते 7 रिफ्यूजल का वीज़ा तुम्हें लगा सकते, तो मेरी फाइल में क्यों है मेरा भी तुम्हें लगा दो, बट इदा नहीं होंगे, डॉक्यूमेंट्स देखने पैंते हैं, थोड़ी प्रीवियस हिस्ट्री देखनी पैंती है, थोड़े अकैडमिक्स देखने पैंते हैं, अकैडमिक्स में दसवीं दवा कई बच्चे, कई बच्चे ने सर 3-3 साल की पढ़ाई 4-5 साल से की होंगी, सो नंबर ऑफ फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, ये नहीं कहा कि जेड़े बच्चे ने कुछ डिले होया, बट कई चीज़ा सानू किस्मत भी छड़निया पैंदियां, साडा काम आ मेहनत करना, ये चीज़ मैं ता कह रहा कि बहुत सारे बच्चे साढ़े कई बार ब्लाइंड ट्रस्ट करते, तो मैं नहीं चाहता कि किसी बच्चे का सपना मेरे को टुटे, हाँ कोई भी सपना साढ़े तो टुटे, असं तो हमेशा चाहो वीज़ा ही आवे, बिल्कुल सर है, रिफ्यूजल भी एक पार्ट है, सो कोशिश ये करिए कि रिफ्यूजल ना आवे, पर रिफ्यूजल आ सकती है, बिल्कुल हमेशा जहन च रखिए 100% गरंटी फाइल दे सक्सेस की कभी भी नहीं हो सकती। सो तीरथ जी ने बहुत चंगी जानकारी दी, थैंक यू सो मच तीरथ जी, और सारे स्टूडेंट्स को गुजारिश है कि चंगी तरह सलाह मशवरा करो, 85578 85578 तीरथ जी को परसनली मिलो, प्रोफाइल डिस्कस करो, कला कला पक्ष विचारो, पर चंगे कंसल्टेंट तो हमेशा सलाह लो। थैंक यू सो मच, थैंक यू, सत श्री अकाल।